आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। उसे क्या फाइनल मान लिया जाए कि दो चार दिन हफ्ते भर के अंदर सवारी रेलगाड़ी आरंभ हो जाएंगी? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। नागपुर डिवीजन के तहत ये सेक्शन भी आता है और मैं सब जगह निरीक्षण के लिए जाती हूँ। यहाँ पे भी मैं निरीक्षण के लिए आई हुई हूँ। जो बाकी चीज मैंने जैसे पहले भी कही थी कि आपकी तरह हमें भी इंतजार है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन सेवाएं यहाँ से शुरू हो, तो उसकी तैयारी तो हमारी बहुत पहले से चल रही है और आज भी उसको हमने इंक्लूड किया है अपने निरीक्षण में। 19 मार्च को आप यहाँ आई थी, आपने निर्देश दिए थे, बहुत सारे निर्देश, यहाँ कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा, यहाँ पर इसे तोड़ें सर में टकराएगा, वो एक भी निर्देश का पालन नहीं हो पाया। नहीं नहीं, वो मैं पार्किंग इंक्लूडिंग पार्किंग की मैं आपको समझा देती हूँ। वो हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अमृत भारत स्टेशन योजना है, तो पहले तो हमारी प्लान बन रही है अभी, फिर उसके बाद जैसा आपको बताया कि टेंडर होते हैं, फिर टेंडर के बाद काम चालू होता है, तो अभी हमारी प्रिलिमिनरी स्टेज है प्लानिंग की, तो प्लानिंग होके और उसके बाद काम शुरू होगा। प्लानिंग होगी, काम शुरू होगा, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इसका डीपीआर भी होगा, डिजाइन भी होगा, तो क्या डीपीआर डिजाइन इसी अमृत भारत में? आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं उस बिल्डिंग में यहाँ पर बहुत कम ऊंचाई रखी गई है, सर पर अगर कोई सामान लेके जाएगा तो जा नहीं पाएगा। आप अभी आते हुए देखा होगा आपने, फिर टाइल्स निकल रही है, फिर लगाई जा रही है, फिर निकाल रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर धस रही है, तो गुणवत्ता यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो इस ये कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ये विलम्ब कारित करने के लिए ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक रेलवे स्टेशन पूरा नहीं होगा, यात्री सुविधाएं पूरी नहीं होंगी, रेलगाड़ी आरंभ रेलवे बोर्ड शायद नहीं। दो चरण में आप लीजिए, अभी जो हमारी जो प्रयास चल रहा है वो ये है कि ट्रेन सेवाएं जब शुरू होंगी तो कुछ मिनिमम एसेंशियल यहाँ पे पैसेंजर एमिनिटीज होनी चाहिए, तो उसको हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन योजना है वो बिल्कुल अलग है, उसमें 7 आयाम हैं जो हमको कवर करने हैं और वो अलग प्लानिंग चल रही है। तो ये वाली जो हमारा है कि मिनिमम जो फैसिलिटीज होनी चाहिए उसको आप कंफ्यूज ना करें अमृत भारत। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, DRM मनमीत मनिंदर उप्पल साहब आए थे, उन्होंने देखा, 19 मार्च को आपने देखा, तो क्या पैसेंजर एमिनिटीज आपने कितने परसेंट पाई रेलगाड़ी चलने के लिए 19 तारीख? नहीं, मतलब हर एक बार हम आ रहे हैं, देख रहे हैं और हमारा जैसा मनिंदर उप्पल साहब ने कहा था कि 10% काम बचा है जो रेगुलर ऑपरेशन कहीं प्रभावित नहीं होगा रेलगाड़ी का, वो मैं भी कहना चाहूंगी इस बात। तो फिर रेलगाड़ी चलने में विलंब? नहीं, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये जो आता है क्लियरेंस वो रेलवे बोर्ड से आती है, तो जब तक हमारे पास रेलवे बोर्ड से क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक हमारे ये पावर्स में नहीं है, ये डिवीजन के पावर्स में नहीं है कि ट्रेन सर्विसेज, अगर हमारे पावर्स में होता हम कब की स्टार्ट कर चुके। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी इंडिकेशन मिल चुके हैं, यहाँ पर स्टेज बनाने के लिए बाकायदा मार्किंग हो गई है और बहुत दूसरी तैयारियां, जो बताया जा रहा है कि 2 ट्रेन शायद चल सकती है, छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर और दूसरी इतवारी रीवा, इन दोनों 2 ट्रेन के लिए 24 तारीख की बात यहाँ पर चल रही है, और ये बात भी चल रही है 24 कहीं 2024 ना हो जाए। देखिए ऐसा है कि हमारी तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से हमें पूरी तैयारी रखनी है, अगर कल अनाउंस हो जाएगा तो हम कल के लिए तैयार। अभी ये मान लिया जाए कि अगर कल अनाउंस हो जाए तो आपकी तैयारियां पूरी हैं? पूरी हैं, 100% हमारी तैयारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैम आज क्या निर्देश दिए हैं आपने, क्या देखा आज का, बता दीजिए। वही मैंने जैसे पहले कहा कि जो हमारी एक मिनिमम पैसेंजर फैसिलिटीज होती हैं वो हमने हर एक यहाँ पे जाके चेक किया है, और वो जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो हम इंश्योर करेंगे कि जब भी ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट हो तो वो अवेलेबल रहे। तो उसमें जो वेटिंग हॉल है उसमें जो फर्नीचर होना चाहिए, या यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसमें टाइलिंग वाला जो वर्क है उसमें कोई अनइवन नहीं होना चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे चेक किया है, और वो वाली हम जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो हम इंश्योर करेंगे। सिर्फ एक चीज जानना चाहेंगे, क्या रेलवे सिर्फ पैसा कमाएगा, सुविधाएं नहीं देगा?
ये कहने के पीछे कारण ये है, 14 करोड़ रुपया नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा रेलवे को अभी तक दिया जा चुका है और वहाँ पर शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के समय में जो मजदूर हैं, लेबर हैं, जो ये कहा जाए कि हमाल हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो वहाँ शेड की व्यवस्था नहीं है, आपका स्टाफ के बैठने के लिए भी शेड नहीं। देखिए ऐसा है कि जब हम शुरू करते हैं अपनी सेवाएं, एक साल से ज्यादा समय हो गया तो ट्रेन ही नहीं चली है, गुड्स ट्रेन चली है, लेकिन गुड्स ट्रेन के लिए हमको अलग तरीके की फैसिलिटीज चाहिए होती है, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग तरीके की सुविधाएं चाहिए होती है। तो अभी हमारा प्रयास है कि जो पैसेंजर सर्विसेज के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी, तो अभी तक गुड्स चल रही हैं वो आपको भी पता है। 25 सितंबर 2021 से यहाँ पर चल रही, 2022 निकल गया, 2022 से चल रही, 23 निकल गया, 22 और 23 दो साल हो गए, वहाँ पर एक शेड भी नहीं लग पाया है। सब कुछ लग जाएगा, एक बार आप ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीजें धीमे धीमे हो जाएंगी। सब बाकी जगह भी वैसे ही होता है, एक बार जब यात्री आने लगेंगे, अभी तो यात्री आ नहीं रहे, एक बार यात्री आने लगेंगे तो और उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो हमें पता लगनी शुरू हो जाएंगी और हम उसके हिसाब से धीमे धीमे प्रोवाइड भी करना शुरू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत एक सवाल मेरा भी है मैडम, वो नाला पूरा ओपन है तो वहाँ पे क्या होता है मैडम, छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? तो वो मैं पिछले बार भी जब आई थी तो मैंने वो देखा था और उसको मैंने अमृत भारत वाली जो योजना है उसमें कवर करने की मैंने उसको प्लान में डाल दिया है ऑलरेडी। इसको जल्द से जल्द करवाया जाए मैडम, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं और थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, बिकॉज मैंने कहा जैसे कि अभी प्लान बन चुकी है, अब इसके बाद हमारा टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक बार टेंडरिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो काम आपको फिर धीमे से शुरू होना भी दिखाई पड़ेगा। या मैडम 24 से ट्रेन चालू होगी तो बता, ये मैं अभी मेरी हमारी तैयारी पूरी है, कल भी अगर अनाउंस हो जाएगा तो हम रेडी हैं अपनी तैयारी। तो DRM नागपुर SECR की DRM नमिता त्रिपाठी के द्वारा जो बात कही गई, हमने आपको दिखाई, देखिए उनकी ये रेलगाड़ी यहाँ से DRM स्पेशल रवाना हो रही है और 24 तारीख को दो रेलगाड़ियाँ यहाँ से आरंभ होंगी, दोनों रेलगाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी, ये अभी यहाँ से नैनपुर तक निरीक्षण करते हुए जाएंगे और नैनपुर से निरीक्षण करने के बाद ये इसी रूट से वापस छिंदवाड़ा और नागपुर जाएंगे। छिंदवाड़ा से नैनपुर एक रेलगाड़ी आरंभ हो सकती है और दूसरी रेलगाड़ी रीवा से इतवारी और इतवारी से रीवा, ये दो रेलगाड़ियाँ 24 तारीख से आरंभ होंगी। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ, ये इस जगह पर यहाँ स्टेज बनेगा, यहाँ से जो भी VIPs होंगे वे यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। VIPs के आने के लिए जो सतही तौर पर जानकारी सामने आई है, VIPs के आने के लिए ये वाला जगह होगी, यहाँ से VIP यहाँ आएंगे और इस यहाँ इस जगह से लगभग 50 मीटर आगे इंजन खड़ा होगा, यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। दो रेलगाड़ियाँ नैनपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नैनपुर 11:40 या 12:40 के लगभग यहाँ पहुँच सकती। प्रधानमंत्री कितने बजे इसमें हरी झंडी दिखाने के लिए समय देते हैं, उस हिसाब से नैनपुर और छिंदवाड़ा से रेलगाड़ियाँ छूटेंगी। इतवारी रीवा से इतवारी, इतवारी रीवा भी उसी हिसाब से उसका समय निर्धारित किया जाएगा प्रधानमंत्री के हिसाब से। प्रधानमंत्री जब भी उनके द्वारा समय दिया जाएगा उसी समय, हालांकि 24 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो 24 अप्रैल को जो रीवा से इतवारी रेलगाड़ी है वो रीवा से नैनपुर गोंदिया होकर नागपुर जाना शेड्यूल्ड है, उस पर रिजर्वेशन भी हो चुके होंगे, पर रेलवे के सूत्रों का कहना है कि एक एडिशनल रैक लिया जाएगा, जो रैक शेड्यूल टाइम जो होगा शेड्यूल टाइम पे उस दिन दो रीवा इतवारी एक्सप्रेस छूट सकती हैं, एक रेलगाड़ी तो शेड्यूल टाइम पर रीवा से गोंदिया होकर नागपुर चली जाएगी, दूसरी जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद उसे छोड़ा जाएगा और नैनपुर से इस रास्ते यहाँ लौटा जाएगा। 24 अप्रैल की तिथि लॉक कर दी गई है रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना, और उसके फिजिकल ऑर्डर भी संभवतः DRM जो GM और DRM तक पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से छिंदवाड़ा में मुख्य फंक्शन इसका जो पैसेंजर ट्रेन का होगा नैनपुर में, और नैनपुर में SECR के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक
नैनपुर में उपस्थित रहेंगे। ADRM संभवतः DRM या ADRM छिंदवाड़ा में और सिवनी में ADRM या DRM में से कोई एक यहां पर मौजूद रहेगा झंडी दिखाते समय। 24 तारीख को अब रेलगाड़ी चलेगी, वो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप सभी को एक बार फिर बधाई इस बात की कि यहाँ से रेलगाड़ी आरंभ हो सकती है। जितने निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे, वे निर्देश अमृत भारत योजना के तहत दिए गए थे। पैसेंजर एमिनिटीज़ पूरी हैं, पैसेंजर यात्रियों की सुविधाएं पूरी हैं। अब बस 3-4 दिन का समय बचा है। हालांकि इस मामले में अभी तक मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, ये उनका संसदीय क्षेत्र डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का, और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ, तीनों की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा गया, आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया। कम से कम जो जनता है, सिवनी की जनता इस मामले में बहुत आतुर है कि उसे पता लग पाए कि यहाँ पर रेलगाड़ी कब चलेगी। पर जनप्रतिनिधि बताने क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों इस बात को छुपा रहे हैं? अगर यहाँ से रेलगाड़ी नहीं चलनी है तो ये सारे के सारे मार्किंग किस लिए की गई, यहाँ पर स्टेज के लिए मार्किंग किस लिए की गई? DRM का निरीक्षण 19 मार्च के बाद 19 अप्रैल को एक बार फिर क्यों हुआ है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सिवनी से रेलगाड़ी बहुत जल्दी चल सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।